राजदा लगातार जिस तरह से झारखंड में राजनीतिक उथल पटल चल रहा है, साथ ही साथ धार्मिक स्थल को लेकर के जिस तरह से विवाद उत्पन्न हुआ, क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर? जोहर, सबसे पहला मैं जोहर देश को धन्यवाद देता हूँ। जैसा अभी पारसनाथ का जो मुद्दा उठा है, ये बहुत अचानक से ये नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कुछ एक बड़ा कारण रहा होगा, क्योंकि जैनियों का पारसनाथ में आना और आसपास में जो आदिवासी संताल लोग रहते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है, क्योंकि आदिवासी तो आदिकाल से रहते हुए आ रहे हैं और जैनियों का इतिहास या आदिवासियों के इतिहास के बारे में अभी तक भारत के इतिहास में आदिवासियों का इतिहास कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक जैनियों का पारसनाथ में आकर के साधना करना या चिंतन करना और वहाँ पर उसका मठ को तैयार करना, तो इसमें तो उदारता हम आदिवासियों का होगा। आप जानते हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का है। और जहाँ तक पहाड़ की बात है, तो पहाड़ तो शुरू से हमारा मारांग हो रहा है, ठीक है। और अब जब जैनियों द्वारा वहाँ पर आदिवासियों को उसके जंगलों से या उनके पहाड़ों में जाने से प्रतिबंधित करने का जिस प्रकार से राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि राज्य सरकार को इस तरह की ओछी हरकत करनी चाहिए, क्योंकि आदिवासी तो प्रारंभ आदिकाल से ही जंगलों पर पहाड़ों पर ही निर्भर रहा है। तो अगर आदिवासी को उसके जो उन्मुक्त क्षेत्र है जहाँ पर वह स्वतंत्र रूप से वो वहाँ रहते आए हैं, शिकार करते आए हैं, वहाँ पर उसका जीवन पला बढ़ा है, और आपको अचानक वहाँ पर जाने से उनको मना करते हैं, तो ये उनके फंडामेंटल राइट का हनन है। उसकी जो मौलिक अधिकार है, आदिवासियों का जो एक जो वातावरण होना चाहिए वो उसके उसके अधिकार का। ऐसा नहीं लगता है कि लगातार जिस तरह से झारखंड जो उम्मीद से बना है और झारखंड में तमाम जो युवा बेरोजगार युवा नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं, तो एक मुद्दा ऐसे घुसा देना, ये कोई ये इसके पीछे आप बैकग्राउंड जाएंगे ना, कि जब हमारा 15 नवंबर 2000 को जब हमारा झारखंड बना, तो झारखंड के लोग इतने खुश हुए थे, लोग ने ढोल बजाए, ताली बजाए और मिठाइयाँ बंटवाई। लेकिन उस जश्न के बाद जिस तरह का इस 22 से 23 साल में झारखंड का जो हर्ष हुआ है, इसका कारण तो मैं यहाँ के राजनीतिक दल को मानूंगा, जो सबसे प्रथम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी, जबकि उन्होंने झारखंड बचाओ आंदोलन को लेकर के या झारखंड राज्य अलग राज्य के आंदोलन में उसने एक नाखून तक नहीं कटाया। इतिहास ये गवाह है कि उन्होंने एक नाखून तक नहीं कटाया था, और वो यहाँ पर आकर के अपनी सरकार बनाती है। और सरकार बनाती है तो आपको उसकी मंशा को समझना होगा कि उन्होंने यहाँ के लिए, यहाँ के झारखंडियों के लिए कोई बेहतर नीति, जिसको स्थानीय नीति कहते हैं या नियोजन नीति, उन्होंने आज तक मुकम्मल तरीके से नहीं बनाई। उसके बाद कांग्रेस और जेएमएम की जो मिली जुली सरकार बनी, उसमें भी हम देखते हैं कि भाजपा जिस प्रकार से फेल हुई, इसी प्रकार से कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकार बनी मिली जुली, वो भी यहाँ पर फेल हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग यहाँ पर बेरोजगार आज पाए जा रहे हैं, कि इनके पास एक भी इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लीडर्स नहीं है जो स्थानीय नीति बना पाए और नियोजन नीति बना पाए। तो मुझे शर्म आती है कि इस प्रकार के लीडर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली जा करके धर्म और जाति पर हल्ला करते हैं, लेकिन जब वहाँ झारखंडी लोगों के युवाओं के भविष्य की बात होती है, वहाँ ये मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। क्या ये कोई प्रायोजित है या बाहरी लोगों का दबाव के कारण से? जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ मानसिकता वाले लोग, हमारे जो आदिवासी लीडर हैं, जो यहाँ के ओबीसी लीडर हैं, या ऐसी लीडर हैं जो भी यहाँ के बहुजन नेता लोग हैं हमारे, उनको कोई ना कोई मतलब फिरकी तो दे रहा है, जिसके कारण उनको जिस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए जिससे यहाँ के युवाओं का लाभ होता है। जैसे जेपीएससी का जो इस बार दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला था, जो 2016 और 2019 के बीच में फॉर्म भरा था, अचानक दिसंबर महीने में आपका नियोजन नीति को कैंसिल कर दिया जाता है। तो जब कोई नीति को कैंसिल किया जाता है, उसकी जगह नई नीति बनाई जाती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जनवरी महीना आ गया है, लेकिन हमारे मुख्य सचिव ने अभी तक कोई ऐसा अध्यादेश जारी नहीं किया, नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके कारण यहाँ लाखों बेरोजगार युवाओं को मतलब तकलीफ उठानी पड़ रही है, अपने आने वाले भविष्य की उनको बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि रोजगार नहीं रहेगा तो यहाँ पर बेसिक इनकम लोग के पास नहीं होगी, और जो समाज के अंदर में इनकम नहीं होगी वो कमज़ोर होगा, और कोई भी उस पर जो है अत्याचार कर सकता है, कोई भी उसका डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। झारखंड 28 राज्यों में सबसे धनी राज्य है, यहाँ कोयला संपदा अवरक्त सभी कुछ से परिपूर्ण है, फिर यहाँ के युवा बेरोजगार क्यों है? यहाँ के लोग प्लान के लिए अलग अदर स्टेट क्यों जाते हैं? जी, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग जो पंजाब जाते हैं, पंजाब का मुझे जैसे मैंने बजट पढ़ा था 2011 का, 2000 में वहाँ पूरे पंजाब के डेवलपमेंट के 800 करोड़ उनका बजट था, हमारे यहाँ केवल सिर्फ कोयला से 1500 करोड़ रेवेन्यू निकलता है। तो कौन सा स्टेट आपका डेवलप होना चाहिए, पंजाब होता है या झारखंड होता है? केवल केवल कोयला से सर 1500 करोड़ रुपया यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया,
आप उसके अलावा बॉक्साइड है, यूरेनियम है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। आप सोचिए कि किस स्तर का झारखंड हमारा डेवलप होता। रूर प्रदेश कहते हैं झारखंड को, खनिजों में पूरे भारत पूरे विश्व का 34% जो आयरन अगर एक्सपोर्ट करता है वो झारखंड है। टाटा स्टील जैसा कंपनी है और तमाम ब्रांड है। उस झारखंड में जिन आदिवासियों के ज़मीन से कोयला निकाला जाता है, तमाम तरह के खनिज निकालती है, आज उस जमीन में रहने वाले आदिवासी गरीब हैं। तो सोचिए कि यहाँ की जो संपदा है, खनिज संपदा, वो किन लोगों के हाथ में चली गई है। और इसी वजह से यहाँ पर पांचवी अनुसूची जैसे कानून, बेपेशा कानून जैसे कानून और स्थानीय नीति और नियोजन नीति को यहाँ पर जानबूझ करके जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। झारखंड बुरी तरह से फंसा हुआ है।